नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आशा और कुर्बानी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं आशा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आशा सन 1980 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में जितेंद्र, रीना रॉय, रामेश्वरी, सुलोचना लटकर और गिरीश कर्नाड नजर आए थे। इस फिल्म को जे ओम प्रकाश ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी राम किलकर ने लिखी थी। इस फिल्म को 4 मार्च 1980 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 1,48,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 2,50,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 17,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 7,20,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे, पर फिल्म के 2 गाने, पहला तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए और दूसरा शीशा हो या दिल हो, ये दोनों गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे थे। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ये गाना आज भी हमें नवरात्रि के समय सुनने को मिल जाते हैं और इस गाने को नरेंद्र चंचल और मोहम्मद रफी ने गाए थे और इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने भी मोहम्मद रफी ने गाए थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म में एक गाना था जाने हम सड़क के लोगों से और इस गाने में ऋतिक रोशन ने कैमियो किया था। तब ऋतिक रोशन 6 साल के थे और एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे। नंबर 2, ये फिल्म रीना रॉय के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी और इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। नंबर 3, इस फिल्म में एक गाना था तुमको सलाम है और इस गाने को इस फिल्म से हटा दिया गया था। नंबर 4, डायरेक्टर जे ओम प्रकाश रिश्ते में ऋतिक रोशन के नाना लगते हैं, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में ऋतिक रोशन को कैमियो कराया था। राकेश रोशन ने जे ओम प्रकाश की बेटी पिंकी से शादी की थी। अब जानते कुर्बानी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कुर्बानी सन 1980 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी, कादर खान, विजय खोटे और जगदीप नजर आए थे। इस फिल्म को फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। इस फिल्म को 20 जून सन 1980 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 1,56,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 3,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 22,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 11 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिए थे और उसके लिरिक्स फारूक केसर और इंदिवर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने ब्लॉकबस्टर रहे थे। इस फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम उस साल की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए नाजिया हसन को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तो पी हरी किशन को बेस्ट साउंड का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, विनोद खन्ना से पहले उनका रोल अमिताभ बच्चन को ऑफर हुआ था पर उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर 2, आप जैसा कोई वाले गाने में फिरोज खान की पत्नी सुंदरी भी नजर आई थी। नंबर 3, ये फिल्म बॉम्बे में उस समय 3 महीने तक हाउसफुल चली थी। नंबर 4, ये फिल्म सेंसर बोर्ड के कारण अपने रिलीज डेट से 3 महीने तक डिले होते रही थी। नंबर 5, इस फिल्म का रिमेक सन 1986 में तेलुगु में भी बनाया गया था जिसका टाइटल विदु थलाई था और इस फिल्म में रजनीकांत और विष्णुवर्धन नजर आए थे। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।